नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं कर्मभूमि टीवी। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। उत्तराखंड में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक लगातार हादसे हो रहे हैं। इन हादसों में कई लोगों की जाने जा रही हैं और कईयों की जाने जा चुकी हैं। आज का हादसा बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ है। जानकारी के अनुसार बद्रीनाथ हाईवे पर एक कार नदी में गिर गई। हादसा कौडियाला के पास सुबह करीब 5:30 बजे का है बताया जा रहा है। पुलिस और SDRF सर्च अभियान चला रही है। बताया जा रहा है कि कार नदी में डूब गई और दिखाई नहीं दे रही है। SDRF व्यासी की टीम मौके पर है और राहत बचाव कार्य में लगी है। SDRF डीप ड्राइव टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। हरिद्वार में कांवड़ मेले के मद्देनजर वन विभाग और राजाजी टाइगर रिजर्व ने भी तैयारी की है। वन विभाग की ओर से जंगल के रास्तों में गुजरने वाले कांवड़ मार्गों पर वन कर्मियों की तैनाती की गई है। मानव और वन्य जीव संघर्ष की घटना ना हो इसको लेकर भी कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं सांप और दूसरे वन्य जीवों के रिहायशी क्षेत्रों में पहुंचने पर रेस्क्यू करने वाली QRT टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें कि 14 जुलाई से हरिद्वार में कांवड़ मेला शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर व्यापक तौर पर तैयारियां कर ली गई है। बिल्कुल, 14 तारीख से कांवड़ यात्रा प्रस्तावित है हरिद्वार में और इस बार हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे खूब बहुत सारे कांवड़िया आएंगे और उसके लिए स्पेशली जो हमारे कांवड़ मार्ग हैं जो वन क्षेत्र से गुजरते हैं, चाहे वो हमारी नहर पटरी हो या देवपुरा सेक्टर हो, दक्ष द्वीप हो या श्यामपुर साइड के जितने भी हमारी नहर पटरियाँ हैं, तो वहाँ पे सुगम आवागमन गमन हेतु जो भी हमारे वन मार्ग थे उनका सुदृढ़ीकरण कर दिया गया है। क्षेत्र में जितनी भी झाड़ी थी उनको कटा दिया गया है और सबसे बड़ा जो यहाँ पे चैलेंज वो है मानव वन्य जीव संघर्ष। तो उसके लिए हम लोगों ने एक डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया है और डिप्लॉयमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। समस्त क्षेत्रों में हमने टीमें बनाई हैं, कंट्रोल रूम को एक्टिव कर दिया गया है और 24 घंटे वहाँ पे हमारे कर्मी होंगे। इसके अतिरिक्त हमारी SRT एंड QRT स्नेक दस्ते और जो हमारी रैपिड रिस्पॉन्स टीम है, कहीं पर भी अगर इस तरह की घटना होती है तो तुरंत टीमों को मोबिलाइज कर दिया जाएगा और हरिद्वार वन प्रभाग की तरफ से पूरी संपूर्ण तैयारियाँ कर दी गई। उन्नाव जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। CHC पूर्वा का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें मंगलवार को एक मरीज का ई रिक्शा पर उपचार किया जा रहा है। वहीं CHC परिसर के बाहर एक बच्चे का इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक मरीज बुखार और दूसरा पेट दर्द से पीड़ित CHC पहुंचा था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूर्वा में मंगलवार को इलाज कराने आए बुजुर्ग को ई रिक्शे पर बैठकर और अन्य मरीजों का CHC परिसर के बाहर ग्लूकोज चढ़ाने का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मचा। वहीं पूर्वा ब्लॉक क्षेत्र के अधीन खेड़ा निवासी ठाकुर प्रसाद ने बताया कि पेट में दर्द हो रहा था। ई रिक्शे से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूर्वा आकर डॉक्टर को दिखाया। वहीं CHC में पंखा ना चलने के कारण डॉक्टरों ने उनका उपचार बाहर ई रिक्शा पर ही शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य कर्मियों ने ग्लूकोज लगाने वाले स्टैंड को ई रिक्शा से ही बांध कर लटका दिया। हल्द्वानी में बारिश के बाद हुए जलभराव की समस्या से आम लोग परेशान हैं। जलभराव की समस्या के बाद मेयर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला नगर निगम की टीम के साथ शहर के विभिन्न इलाकों में निरीक्षण करने पहुंचे। अधिकारियों के साथ निरीक्षण करते हुए जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक योजना पर काम करने के निर्देश दिए। इस दौरान कांग्रेस विधायक सुमित हृदय द्वारा शहर में जलभराव के लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहराए जाने के बयान पर बीजेपी मेयर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला ने विधायक सुमित हृदय पर सीधा हमला किया। मेयर ने कहा कि शहर में जलभराव का बड़ा कारण अतिक्रमण है और खुद कांग्रेस विधायक नहर को पाट कर उसके ऊपर पार्क बनाकर अतिक्रमण कर रहे हैं। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में अनियमितताओं और नियुक्ति को लेकर शासन अचानक बेहद ज्यादा सक्रिय दिखने लगा है। इसी कड़ी में शासन के नए आदेश के तहत कुलपति सुनील कुमार जोशी के वित्तीय अधिकारियों को सीज करते हुए देहरादून जिलाधिकारी में निहित किया गया है। हालांकि इस आदेश के फौरन बाद विश्वविद्यालय के कुलपति ने इस आदेश को ही नियम विरुद्ध करार दे दिया है। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय यूं तो अपनी स्थापना के समय से ही विवादों में रहा है, लेकिन इन दिनों विश्वविद्यालय को लेकर शासन की तरफ से जिस तरह निगाहें टेढ़ी की गई हैं, उससे विश्वविद्यालय और शासन आमने सामने आ गए हैं।
बागेश्वर स्टेशन पर नशे में धुत मामा भांजा आपस में भिड़ गए। भांजे ने मामा पर चाकू से वार कर घायल कर दिया। आनंद फानन में जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है। मिली जानकारी के अनुसार बीते साया बागेश्वर स्टेशन में दो युवक आपस में झगड़ पड़े। देखते ही देखते एक युवक ने दूसरे पर चाकू से वार कर दिया, जिसमें एक युवक घायल हो गया। चाकूबाजी की घटना से स्टेशन रोड पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायल को जिला अस्पताल भेजा। घटना में घायल युवक और हमलावर को मामा भांजा बताए जा रहे हैं। देहरादून में सोमवार को हरक सिंह रावत के आवास पर कांग्रेसी नेताओं का अचानक जमावड़ा लगा था, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। वहीं मंगलवार को कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज हरिद्वार के जयराम आश्रम पहुंचे। इनमें प्रमुख तौर पर हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह, भुवन चंद्र कापड़ी, राजकुमार विजयपाल सजवान, लालचंद शर्मा, गौरव चौधरी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं के पहले देहरादून की बैठक और फिर अचानक हरिद्वार दौरा बड़े राजनीतिक हलचल की ओर इशारा कर रही है। हालांकि हरिद्वार दौरे पर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वह सब जयराम आश्रम के पीठाधीश्वर ब्रह्मा स्वरूप ब्रह्मचारी से आशीर्वाद लेने और 13 जुलाई से शुरू होने जा रहे श्रावण मास के लिए मां गंगा से प्रार्थना करने आए हैं। हरिद्वार दौरे का राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। अब कांग्रेस ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोग अपने घर में बैठे रहेंगे। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हमको घर की दहलीज से बाहर कदम रखने हैं। और इसी कड़ी में कल मैं हरक सिंह जी से उनके आवास पर मिलने गया था, उनसे बात हुई। आज हम हरिद्वार आए हैं और निकट भविष्य में आप देखेंगे कि हम सब लोग मिलकर के पूरे प्रदेश के अंदर जो है आम जन के बीच में जाने का काम करेंगे। और सरकार जो जन विरोधी निर्णय ले रही है, उससे आम जन को अवगत कराने का काम करेंगे। ये लक्ष्य है, ये उद्देश्य है, और हर राजनीतिक दल जो है इस दिशा में काम करता है। अब आज मैं और हरक सिंह जी यहाँ आ गए तो आपको इसमें भी जो है लग रहा है कि शायद कोई ना कोई राजनीति है। कोई राजनीति कांग्रेस के, कांग्रेस ही को मजबूत करने के लिए हम निकले। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए कर्मभूमि टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।